Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. This video is part 3 of the lesson ADAS Macroeconomic Equilibrium in the Long Run. In part 1 and part 2, we have already covered the meaning of GDP gap, inflationary gap, recessionary gap and how GDP gap induces change in input prices. So let's move further now. The next topic is wage flexibility and aggregate demand shocks. Students, यहाँ पे हमें टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है. टॉपिक में लिखा हुआ है वेज फ्लेक्सिबिलिटी. तो आप रिकॉल कर सकते हो कि शॉर्ट रन वाले चैप्टर में हमने अज्यूम करा था कि हमारे इनपुट प्राइसेस कैसे रहेंगे, कॉन्स्टेंट, ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड. बट यहाँ पे हम उस अजम्पशन को रिलैक्स कर रहे हैं. अब हम कह रहे हैं कि इनपुट प्राइसेस जो कि हमारे क्या होते हैं, वेजेस, वो अब क्या है, फ्लेक्सिबल है. दैट मीन्स वेजेस कैन नाउ इंक्रीज और डिक्रीज. इस टॉपिक को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी डिमांड शॉक एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड शॉक. तो पहले सब पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक्स. यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे. सबसे पहले हमने दो पैनल बनाए हैं, पैनल ए एंड पैनल बी. पैनल ए में हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे प्राइस एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द रियल जीडीपी. नाउ वी हैव ड्रॉन डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व. इंटरसेक्शन कहाँ निकला, एट पॉइंट ई. दिस इज द इक्विलिब्रियम. यहां से प्राइस आया पी एंड हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी आ गई वाई. अब ये जो इक्विलिब्रियम जीडीपी निकल कर आई है वाई, दिस इज द जीडीपी वेयर योर एक्चुअल जीडीपी इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है जहां पे ना तो रिसेशनरी कैप है और ना तो हमारा इन्फ्लेशनरी कैप है. एक्चुअल जीडीपी इज इक्वल टू योर पोटेंशियल जीडीपी. नाउ हम स्टार्ट करते हैं जो हमें केस गिवन है. केस में लिखा हुआ है एक्सपेंशनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक. एक्सपेंशनरी का मतलब होता है इंक्रीज करना. तो यहाँ पे किस तरीके की एग्रीगेट डिमांड शॉक की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एग्रीगेट डिमांड शॉक. तो हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को क्या कर देंगे, अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे. तो हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट करा अपवर्ड्स टू AD1. अब ये नए AD कर्व ने पुराने AS कर्व के साथ एक नया इंटरसेक्शन दिया एट पॉइंट E1. वहां से हमारा निकला न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P1 एंड न्यू इक्विलिब्रियम GDP Y1. अब ये जो हमने Y1 GDP निकाली है, ये हमारी एक्चुअल GDP है हमारे एग्रीगेट डिमांड शॉक लगने के बाद. लेकिन हमारी पोटेंशियल GDP तो अभी भी क्या रहेगी, इनकम लेवल Y. तो हम कह सकते हैं कि इस केस में एग्रीगेट डिमांड शॉक लगने से हमारा एक्चुअल GDP क्या हो गया है, पोटेंशियल GDP से ज्यादा हो गया है. सो आप याद करो प्रीवियस लेक्चर से, जब भी हमारा एक्चुअल GDP पोटेंशियल GDP से ज्यादा होता है तो कौन सा गैप निकलता है, इट इज द इन्फ्लेशनरी गैप. तो जो आपको गैप दिख रहा है बिटवीन वाई एंड Y1, दिस गैप इज व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप. क्लियर. नाउ अब आप सोचेंगे कि हमने पार्ट बी क्यों बनाना है. तो पार्ट बी में हम क्या कर रहे हैं, हम ये दिखाते हैं कि एग्रीगेट डिमांड शॉक लगने से एक तरीके का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वर्क करेगा और कैसे हम अपने इन्फ्लेशनरी गैप को एलिमिनेट कर पाएंगे. तो देखते हैं कैसे होगा. तो हमने पार्ट बी में बनाया अगेन एग्रीगेट डिमांड कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इंटरसेक्शन एट ई, गिविंग यू प्राइस पी एंड इनकम लेवल वाई. दिस इनकम अगेन इज वॉट, वेयर पोटेंशियल GDP इज इक्वल टू एक्चुअल GDP. दोबारा से एक्सपेंशनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक की वजह से हमने डिमांड कर्व को शिफ्ट करा राइटवर्ड. वहां से हमारी इनकम निकल कर आ गई Y1 और प्राइस निकल कर आ गया P1. सेम डायग्राम अभी तक हमने बनाया है जो पार्ट ए में भी बनाया था. तो ये जो Y और Y1 के बीच का गैप है, विच इज द इन्फ्लेशनरी गैप, इसको देखिए अब हम कैसे एलिमिनेट करते हैं. क्योंकि हमने टॉपिक का नाम पढ़ा है वेज फ्लेक्सिबिलिटी, हम लॉन्ग रन में है, तो होगा क्या, जैसे ही इन्फ्लेशनरी गैप अराइज होगा किसी भी इकोनॉमी में तो हमारे इनपुट प्राइसेस इंक्रीज करने स्टार्ट कर जाते हैं. यहाँ पे हम लेबर को ले रहे हैं इनपुट, और लेबर का जो प्राइस होता है, इनपुट का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, वेजेस. तो जैसे ही इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो हमारी इकोनॉमी में वेजेस इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी.
और जब वेजेस इंक्रीज होंगी तो सब प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है। आप सोच के देखो कि प्रोड्यूसर्स को अगर ये लगेगा कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो वो सप्लाई इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? डेफिनेटली दे विल डिक्रीज देयर सप्लाई नाउ। तो सारे प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को रिड्यूस करेंगे और डायग्राम में वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके टू SRAS1। हमने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को उतना ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है सच दैट वो नई AD कर्व के साथ हमें दोबारा से कौन सा इक्विलिब्रियम लेवल दे दे, इक्विलिब्रियम GDP लेवल Y। तो हमने SRAS कर्व को शिफ्ट करा लेफ्टवर्ड, हमें इक्विलिब्रियम मिला E2, वहां से प्राइस आया P2, लेकिन वहां से अब GDP कौन सी निकल कर आई, वही पुरानी वाली GDP विच इज द पोटेंशियल GDP Y। तो हमने क्या कर दिया, Y1 से Y तक मूव कर इन अ वे वी हैव एलिमिनेटेड द इन्फ्लेशनरी गैप। और ये गैप एलिमिनेट करने में किस चीज ने हेल्प करी, वेजेस के फ्लेक्सिबल होने ने। लेट्स डू द नेक्स्ट केस ऑल्सो नाउ स्टूडेंट्स, विच इज द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कॉन्ट्रैक्शनरी, मतलब हम एग्रीगेट डिमांड शॉक को क्या करेंगे, हम एग्रीगेट डिमांड शॉक नेगेटिव लगाएंगे और AD कर्व को शिफ्ट कर देंगे लेफ्टवर्ड। यहाँ पे अगेन यू विल सी द फिगर, हमने दो पैनल बनाए हैं, पैनल ए एंड पैनल बी। अगेन ऑन द वाई एक्सिस वी आर टेकिंग द प्राइस, ऑन द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग द GDP। हमने AD कर्व बनाया डाउनवर्ड स्लोपिंग, SRAS कर्व बनाया अपवर्ड स्लोपिंग, इक्विलिब्रियम आया E, प्राइस निकला P, GDP निकली Y। अगेन दिस इक्विलिब्रियम GDP इज वेयर पोटेंशियल GDP इज इक्वल टू योर एक्चुअल GDP। ओके, सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और लगाएंगे कॉन्ट्रैक्शनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक। AD कर्व को हमने शिफ्ट करा डाउनवर्ड, वहां से हमारा इक्विलिब्रियम निकला E1, प्राइस आया P1 और इक्विलिब्रियम GDP आ गई Y1। क्लियर? अब आपको फोकस करना है Y1 पे। ये Y1 इक्विलिब्रियम GDP आपकी एक्चुअल GDP है, लेकिन पोटेंशियल तो अभी भी कितनी रहेगी, इक्विलिब्रियम GDP Y। सो इन दिस केस पोटेंशियल GDP इज मोर देन एक्चुअल GDP विच विल रिजल्ट इन विच गैप, रिसेशनरी गैप। अब आपका कौन सा गैप निकल गया, रिसेशनरी गैप। अब हम पैनल बी में देखेंगे कि कैसे वेजेस के फ्लेक्सिबल होने से हम रिसेशनरी गैप को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो हम सेम डायग्राम बनाएंगे पैनल बी में जो हमने पैनल ए में बनाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग AD, अपवर्ड स्लोपिंग AS, इक्विलिब्रियम E, प्राइस P एंड GDP Y। डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे डाउनवर्ड्स क्योंकि हमारा कैसा डिमांड शॉक है, कॉन्ट्रैक्शनरी। प्राइस निकला P1, GDP निकली Y1। अब आगे क्या होगा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन इन द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ रिसेशनरी गैप वेजेस विल स्टार्ट फॉलिंग, वेजेस आपकी रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब वेजेस रिड्यूस होंगी तो सारे प्रोड्यूसर्स को ये लगेगा कि उनकी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल कर गई है, और जब इकोनॉमी में यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल करेगी, आप सस्ते में चीजें बना पा रहे हो तो आप सप्लाई को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो डायग्राम में उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करके। हमने बना दिया SRAS1 कर्व, उसने इंटरसेक्शन दिया हमारा नए AD कर्व के साथ कहां पर, एट पॉइंट E2, जहां से हमारा प्राइस फर्दर रिड्यूस हो गया P2। तो हम वापस से किस GDP पर आ गए हैं, एट GDP लेवल Y। तो आपको SRAS कर्व को उतना ही शिफ्ट करना है सच दैट कि आपका वो नए एग्रीगेट डिमांड कर्व के साथ कुछ ऐसा इंटरसेक्शन दे कि आपका इक्विलिब्रियम GDP कौन सी निकल कर आए, पुरानी वाली GDP इक्विलिब्रियम लेवल Y। सो देयरफॉर मूविंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम लेवल Y1 टू Y, वी हैव एलिमिनेटेड द रिसेशनरी गैप। सो ऐसे वेज फ्लेक्सिबिलिटी के चलते हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप एलिमिनेट हो जाते हैं और एग्रीगेट डिमांड शॉक लॉन्ग रन में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म का काम करते हैं पोटेंशियल GDP और एक्चुअल GDP को दोबारा से इक्वल लाने के लिए बाय एलिमिनेटिंग द इन्फ्लेशनरी गैप एंड रिसेशनरी गैप। स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। Do like this video if you found it helpful and stay tuned for the next part of this lesson. Happy learning, students!